ज्योतिषाचार्य एवं ज्योतिष विद्या के अनुसार चंद्रमा को मन का कारक बताया जाता है। चंद्रमा का प्रभाव व्यक्ति के मन पर पड़ता है, जिससे व्यक्ति का मन विचलित व स्थिर हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश शर्मा और आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आस्था की परिक्रमा में। आज इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताएंगे चंद्र ग्रह के धार्मिक महत्व के बारे में। मनुष्य के जीवन में चंद्र का मुख्य प्रभाव व्यक्ति के ऊपर देखा जा सकता है। चंद्रमा के नियंत्रण से सब कुछ पाया जा सकता है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार कुंडली में चंद्रमा के प्रबल होने पर व्यक्ति को सकारात्मक फल की प्राप्ति होती है, जिससे व्यक्ति मानसिक रूप से सुखी एवं मन से मजबूत होता है। चंद्रमा के प्रबल होने से व्यक्ति अपने विचार व निर्णय लेने में विचलित नहीं होता है। अब हम जानेंगे चंद्र ग्रह से जुड़ी कुछ बातों के बारे में। ज्योतिषों के अनुसार कुंडली में चंद्रमा कम प्रभावी हो तो उसके लिए व्यक्ति को शिवलिंग की पूजा एवं अभिषेक करना चाहिए, जिससे जातकों को चंद्र देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एवं ज्योतिष के अनुसार चंद्र ग्रह का मुख्य रत्न मोती एवं मुख्य रंग सफेद है, तथा चंद्र ग्रह को शांत करने के लिए प्रत्येक सोमवार का व्रत रखना चाहिए एवं ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जाप करना चाहिए। ऐसा करने से चंद्र का नकारात्मक प्रभाव कम होता है। अब हम जानेंगे चंद्र ग्रह की पौराणिक कथा के बारे में। जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने का विचार कर रहे थे, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने मानस पुत्रों की रचना की थी, जिसमें से एक ऋषि अत्रि थे, जिनका विवाह महर्षि कर्दम की कन्या अनुसुईया से हुआ, और विवाह के पश्चात देवी अनुसुईया के 3 पुत्र हुए, जिनका नाम दुर्वासा, दत्तात्रेय एवं सोम अर्थात चंद्र नाम से जाने गए। चंद्रमा के तेज से पृथ्वी पर अनेक जीवन देने वाली औषधियों की उत्पत्ति हुई, तथा ब्रह्मा जी ने इन्हें वनस्पतियों नक्षत्रों का स्वामित्व सौंपा हुआ है। आज के कार्यक्रम में बस इतना। मैं अवनीश शर्मा फिर लेकर आऊंगा आस्था की परिक्रमा के दर्शकों के लिए धर्म और आस्था से जुड़े नए विषय। तब तक के लिए लेता हूं आप सभी से इजाजत। इस कार्यक्रम को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।